यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है। आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। गाइस जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस, एम आई ऑडिबल और नॉट मुझे बताइए जल्दी से। चलिए, सो आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम अभी पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 1, एंड हम पढ़ रहे थे इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, राइट? हम पढ़ रहे थे बेटा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं आज इस टॉपिक को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पढ़ाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस चैनल पे हमारे डेली सेशन के अपडेट्स आपको आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने बेटा इस बार किया है कुछ जबरदस्त चीज, आप इस liveDaily.me/CA liveDaily लिंक पे चले जाना। इस लिंक को आप टाइप कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर पे, एज इट इज इस लिंक को टाइप कीजिए तो आपको ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपको अलग अलग टैब्स दिखते हैं, आप इसमें ये एमवी सर वाले टैब को अगर क्लिक करेंगे, आप अगर यहाँ पे एमवी सर वाले टैब को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी दोस्तों हमारे सारे सेशन के लिंक्स मिल जाएंगे। अब बात यह है यहाँ पे कि देखिए, हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर वन के सारे वीडियोस यहाँ पे डलवा दिए हैं, एक प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दिया है। इकोनॉमिक्स चैप्टर टू का रिविजन वीडियो, डिटेल्ड रिविजन वीडियो के लिंक्स यहाँ पे डलवा दिए हैं, जितने हुए हैं सारे डलवा दिए हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर टू का यूनिट 3 थियोरी ऑफ सप्लाई के जितने रिवीजन वीडियोस हैं वो डलवा दिए हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके लिंक्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप पिछले सेशन देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर वाइज आपको दिया है यहाँ पे पूरा डेटा। बीसी के चैप्टर 1 के सारे वीडियोज यहाँ पे दिए हैं, बीसी के चैप्टर 1 के सारे वीडियोज दिए हैं, बीसी के चैप्टर 2 के सारे वीडियोज दिए हैं। ये चार वीडियो देखोगे पूरा बीसी के चैप्टर 3 आपका हो जाएगा। बीसी के चैप्टर 3 के समरी लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे लिए थे, ये देखिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें ये मेमोरी टेक्निक वाला वीडियो तो जरूर देखिए, बस क्लिक करना है आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगा, क्लिक करना है आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगा, इसमें ये मेमोरी टेक्निक वाला वीडियो। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ आगे देखेंगे बेटा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बीसी के चैप्टर 4, यस, तो बीसी के चैप्टर 4 जो मैंने जुलाई वाले बच्चों के लिए सेशंस लिए थे वो अपडेट यहाँ पे करवा दिए हैं। तो कोई अगर इन चैप्टर को जल्दी खत्म करना चाहता है तो पहले ही यहाँ पे जाके आप डिटेल में देख लीजिए, इसके रिवीजन लेक्चर में बाद में ले लूंगा। बीसी के चैप्टर 5 के भी वीडियो लिंक्स जो जुलाई में मैंने बच्चों को पढ़ाया था वो एज इट इज अपलोड किया, इसमें कोई चेंज नहीं है चैप्टर्स में, आप जाके डायरेक्ट ये रिकॉर्डेड सेशन हमारे देख सकते हैं। लेक्चर वाइज कौन से लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ाया है सब चीजें यहाँ पे लिखी है, तो आपके ये दोनों चैप्टर्स भी हो जाएंगे पूरे के पूरे। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? यस एंड यस यस यस, तुषार तागी बोल रहे हैं सर इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 भी डलवा दो। यस गाइज, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 के भी सारे सेशन की लिंक्स आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके वो सेशंस देख सकते हैं। हम बाद में रिवीजन सेशंस जरूर लेंगे इन सब के, तो निश्चिंत हो जाइए रिवीजन सेशंस इन सब के आएंगे। हम बीसी के चैप्टर 6 अलग से डिटेल में करेंगे आपके लिए, ये चैप्टर 4 चैप्टर 5 डिटेल सेशंस ही हैं, आप देख सकते हैं जाके, राइट। एंड बीसी के चैप्टर 6 अलग से आपके लिए जरूर करवाया जाएगा, जैसे ही बीसी के चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाए एंड इको चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारे रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे बाकी चैप्टर्स के, ठीक है। तो अभी पहले इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 खत्म करेंगे, देन बीसी के चैप्टर 6 पढ़ेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे बीसी के चैप्टर 6 चल रहा है तो स्पेशल क्लास पे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पढ़ा देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे रिविजन सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बीसी के चैप्टर 4 और 5 यहां से कवर करना है, इस लाइव डेली लिंक में एमबी सर टैब पे चले जाना, यहां से आपको सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ यस, क्या बात सुन मारी मुझे बताइए फास्ट, ठीक है। अब जो हमारे प्लस वाले बच्चे हैं उनको आपको पता है कि हमारे जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने सारे चैप्टर्स लाइव करवाए हैं, तो अगर आप हमसे लाइव
लेटेस्ट रिकॉर्डिंग वाले सेशन देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग आपको सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। यहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस दिखते हैं जिसे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, जो 4:15 बजे डेली में ले रहा हूँ। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का रिविजन चल रहा है अभी स्पेशल क्लास में। एंड अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आपको सब्सक्रिप्शन क्लासेस लेने चाहिए, जो होता है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक। दोनों में सेम क्लासेस देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं बेटा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, पीडीएफ नोट्स, ये सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक में मिलेंगे ही। आइकॉनिक में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल। अभी हमारा अनअकैडमी प्लस पे लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बीसी के डिटेल में पढ़ाए हैं लेटेस्ट सेशंस। मिशन सक्सेस में हमने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, इसमें आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं लक्ष्य बैच मिशन सक्सेस के। अभी भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा आरटीपी एमटीपी बैच आने वाला है बेटा 21 अक्टूबर से। तो अभी आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी का। एमबी सर कोड लगाएंगे तो एडिशनल 10% का ऑफ मिलता है। एंड साथ ही साथ बेटा कॉम्बो सबसे बेस्ट, अभी के समय सबसे बेस्ट कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जिसमें आपको फाउंडेशन के साथ साथ इंटर की भी क्लासेस मिल जाएगी। तो अगर आप एमबी सर कोड यूज करेंगे तो आपको कॉम्बो में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ दी गई है। जैसे प्लस का कॉम्बो होता है वैसे आइकॉनिक का भी कॉम्बो होता है, फाउंडेशन इंटर दोनों मिल जाएगा। 1 साल 2 साल का एमबी सर कोड लगा लेना, ठीक है। चलिए आते बेटा जल्दी से हमारे टॉपिक पे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम जल्दी से समरी पे आ जाते हैं, आइए फास्ट। तो हमने कल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले स्टेज की बात कर रहे थे, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एक बार हम क्या करेंगे बताइए, एक बार हम तुरंत जो है हाँ, अंश बोल रहे हैं सर आपने प्लस में बिजनेस साइकिल नहीं करवाए हैं। अंश बेटा प्लस पे हम मिशन सक्सेस बैच में 14th एंड 15th अक्टूबर को करने वाले हैं बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर, तो प्लस पे वो भी चैप्टर होने वाला है। अंश धैर्य रखे, जीवन में वो भी चीज होगी, ठीक है। यस, बीसीके में हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है उज्जवल, आप ऐसा सिलेक्शन नहीं कर सकते। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड हर एक चैप्टर के आपको वीडियो लिंक सब दे दिए हैं, तो आप कृपया करके थोड़ी मेहनत करें जीवन में एंड हर चैप्टर पढ़े। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है बीसीके का। चलिए वापस आते हैं। यस जल्दी से आपको मुझे बताना है। यस चलिए फास्ट। चलिए अब जल्दी से मुझे बताना है आप सबको। यस प्लीज बताइए, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में सबसे पहले बताइए कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं। फास्ट, स्टेज 1 कितने स्टेजेस होते हैं बताइए। फास्ट, स्टेज 1 तीन स्टेजेस होते हैं ना। यस वेरी गुड, तीन स्टेजेस होते हैं सर। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। हम स्टेज 1 को क्या बोलते हैं, स्टेज 1 को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि स्टेज 1 में ही क्या होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। स्टेज 2 को बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्यों ऐसा, क्योंकि स्टेज 2 में ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है स्टार्टिंग से एंड तक। स्टेज 3 को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि हमारे स्टेज 3 में ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है स्टार्टिंग से, इसीलिए। याद आ रही है बातें, यस और नो, क्या बातें याद आ रही है सब कुछ बताइए फास्ट। यस, क्या बातें याद आ रही है। यस सर याद आ रही है, ओके ठीक है सर। हाँ चैप्टर 4 बेटा फेस, हम चैप्टर 4 अलग से करेंगे, टेंशन मत लो, हम करेंगे चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का, टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए, तो अब हम आ चुके बेटा जल्दी से हमारे इस समरी में आइए। तो हमने स्टेज 1 में आपको बोला था कि देखिए स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, तो हमें सिर्फ इतना अभी पार्ट की बात करना है कि स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है। तो बोलते हैं अप टू पोई, क्या बोला जाता है, अप टू पोई।
अप टू पोई, पोई क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट्स, याद आ रही है बात है, कल हमने पढ़ा था। एंड इस पोई के बाद वाला जो पार्ट बचता है स्टेज वन में, वहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है बट विद अ डिक्रीजिंग रेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है स्टेज वन में, आइए चेक करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है स्टेज वन में, आइए चेक करते हैं। देखिए तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, देन मैक्सिमम पहुंचता है, मैक्सिमम होता है आपका मार्जिन प्रोडक्ट, एंड देन गिरना चालू होता है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मार्जिन प्रोडक्ट राइजेस एंड इट इज मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू पोई, ये हमने कल आपको बताया था, ये हमने आपको कल बताया था, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उसी के करस्पॉन्डिंगली टोटल प्रोडक्ट के वाले कर्व में आपको पोई मिलता है ना, क्योंकि इसके बाद जब मार्जिन प्रोडक्ट गिरेगा तो आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू होता है, याद आ रही है बातें, कल हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है सर, कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। यस आगे बढ़े, यस क्या आगे बढ़े बताइए फास्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट, अच्छा स्टेज वन में चेक करो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है पूरे स्टेज वन में एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है, चेक करो क्या ये एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है, यस। तो स्टेज वन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट थ्रू आउट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, स्टेज वन में एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, तो बोलता है स्टेज वन में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है एंड मैक्सिमम हो जाता है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहां पे स्टेज वन एंड होता है, एमसीक्यू आता है कि स्टेज वन कहां पे एंड होगा, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे स्टेज वन एंड होता है, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब आपको याद आ रहा है हमने आपको कुछ पढ़ा था रिलेशनशिप, हमने आपको रिलेशनशिप पढ़ाया था, याद करो हमने आपको रिलेशनशिप पढ़ाया था, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट आपके मार्जिनल प्रोडक्ट से इक्वल होता है वहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो चेक करो क्या यहां पे वही चीज हो रही है, चेक करो क्या बेटा, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है इस पॉइंट एस पे, तो क्या यही पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेज वन कहाँ एंड होता है, स्टेज वन एंड होता है जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, या मैं बोल सकता हूं जहां पे एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्ट, ये एमसीक्यू आता है बेटा, ठीक है, क्या बात समझ आ रहा है, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम स्टेज टू की बात करेंगे, स्टेज टू की बात करेंगे, स्टेज टू को बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्यों, क्योंकि स्टेज टू में स्टार्टिंग से एंड तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है, इसीलिए स्टेज टू को बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इसमें टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, देखिए समझिए, आपका पोई पोई गुजर चुका है, पोई के बाद का एरिया है ये, पोई के बाद का एरिया है ये, मतलब कि यहां पे भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है बट विथ अ डिक्रीजिंग रेट, समझ में आ रहा है। एंड स्टेज टू कहां पे एंड होता है, जहां पे स्टेज टू कहां पे एंड होता है, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, स्टेज टू में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट, एंड स्टेज टू कहां एंड होता है, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब चेक करके बताओ, अब चेक करके बताओ, टेबल पे आइए जल्दी से, आपकी बुक में टेबल पे आइए, टोटल प्रोडक्ट कहां पे मैक्सिमम है, कितने क्वांटिटी ऑफ लेबर पे, कितने क्वांटिटी ऑफ लेबर पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है बताइए फास्ट, कितने, यस मुकेश कुमार जी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए आईसीएम में एंड हमारा
लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए हमारे अनअकैडमी प्लस पे, आपका पूरा सीए फाउंडेशन अच्छे से हो जाएगा बेटा, ठीक है। यस, तो मई 2022 का नवंबर 25 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है मई 2022 का लक्ष्य बैच फॉर सीए फाउंडेशन, नवंबर 25 को स्टार्ट होगा, नवंबर 25 2021 को। तो आप जो है क्या कर सकते हैं बताइए, आप जो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एमबी सर कोड लगा के, एंड आप जो है सीए फाउंडेशन की बैच को ज्वाइन कीजिए, आपका पूरा हो जाएगा अच्छा, ठीक है बेटा। चलिए वापस आते हैं। यस, तो क्या बोल रहे हैं बताओ। हाँ, तो अभी भी कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 10 बोल रहे हैं। बेटा मैंने आपको समझाया था, हम मैक्सिमम किसे बोलते हैं, उस लेवल को मैक्सिमम बोलते हैं जिसके बाद वैल्यू गिरती है। क्या ये 9 वाले के बाद वैल्यू गिर रही है? क्या नहीं? तो 9 वाला मैक्सिमम नहीं है, ये 10 वाला मैक्सिमम है। ये 2 बार ऑलरेडी बता दिया है, अभी भी हर्ष 9 बोल रहा है, अभी भी शोभा 9 बोल रही है, ये 2-3 बार बता दिया गया आपको पहले भी। यहां पे भी आपको बताया था कि ये 110 मैक्सिमम है, कि ये वाला 110 मैक्सिमम है, जिस वैल्यू के बाद गिरती है वैल्यू उसे मैक्सिमम बोलते हैं। तो ये 4 यूनिट वाला मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्ट, याद आ रहा है? हाँ, तो 10 वाला है, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? यस, वेरी गुड। तो यहां पे बताइए कि हमारा मैक्सिमम कहां पर है टोटल प्रोडक्ट। तो आप सबने बोला सर ये है हमारा मैक्सिमम वाला, यहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। क्या चेक करो, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है क्या वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है क्या? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चेक करो जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है क्या एग्जैक्टली वही पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है क्या? हाँ, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि स्टेज 2 कहां एंड होता है, ये एंड होता है जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो या तो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो वहां पे। क्या बात समझ आ रही है बताइए फास्ट, क्या बातें समझ में आ रही है बताइए जल्दी से। ठीक है सर, समझ में आ रही है, ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आइए बेटा देखेंगे, तो क्या लिखा है, हमने टोटल प्रोडक्ट का देख लिया, अब बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की। बात करेंगे क्या बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट की। स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है? बोलता है स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट थ्रू आउट स्टेज 2 में डिक्रीज होता है, बट नेगेटिव नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव वैल्यू है। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, नेगेटिव नहीं हो रही वैल्यू, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट इट इज पॉजिटिव। और स्टेज 2 कहां एंड होगा? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है या तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि एक ही समय पे ये दोनों चीजें होती है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे स्टेज 2 में चेक करिए एवरेज प्रोडक्ट के नीचे है मार्जिनल प्रोडक्ट पूरे स्टेज में, इसलिए बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट इन स्टेज 2। MCQ आ सकता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट इन विच स्टेज, इन विच स्टेज, ऐसा MCQ आ सकता है, समझ पा रहे हैं? तो कहां होता है ऐसा, स्टेज कहां होता है ऐसा, स्टेज 2 में, स्टेज 2 में, ठीक है, ऐसा MCQ आ सकता है, राइट, समझ पा रहे हैं? ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बात है एवरेज प्रोडक्ट को, देखो क्या कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट स्टेज 2 में, एवरेज प्रोडक्ट स्टेज 2 में क्या कर रहा है चेक करेंगे। एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग से एंड तक बस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, सो इट इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है बट इट इज पॉजिटिव, बस सिंपल इतना ही हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट के साथ स्टेज 2 में। अब आ जाएंगे बेटा स्टेज 3 में, अब आ जाएंगे राजा मेरे दोस्त मेरे हमदर्द, अब स्टेज 3 में आ जाएंगे अपन। स्टेज 3 को बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, क्यों? क्योंकि यहां पे अब एक्स एक्सिस के नीचे आ चुका है मार्जिनल प्रोडक्ट, नेगेटिव वैल्यू हो चुकी है मार्जिनल प्रोडक्ट की, इसीलिए हम स्टेज 3 को बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पे डिक्रीजिंग है एंड नेगेटिव है, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव है। ओके सर, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा, सोच के देखो मार्जिनल प्रोडक्ट को जब ऐड करता हूं ना,
जब मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करता हूं तो टोटल प्रोडक्ट मिलता है, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो टोटल प्रोडक्ट तो गिरेगा ही ना। देखो बात को समझो, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करो 100 प्लस 110, तो देखो 210 आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब ये तीनों को ऐड करो तो 100 प्लस 110 प्लस 120, मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करने से टोटल प्रोडक्ट आता है 330। तो अगर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा तो सोच के देखो, इन सबको अगर ऐड करूंगा तो पहले वैल्यू आ रही थी 750, लेकिन अब अगर और एक यूनिट मैंने बढ़ाया वेरिएबल इनपुट का तो अब नेगेटिव आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो 750 प्लस माइनस 10 करेंगे तो आपका गिरेगा ही ना टोटल प्रोडक्ट। इसीलिए जब मार्जिन प्रोडक्ट गिरता है, जब मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू कर देता है। तो टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग इन स्टेज थ्री, क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है स्टेज थ्री में, इसीलिए। एंड एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, देखो अगेन वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता। एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव स्टेज थ्री में। पूरी समरी खत्म हो चुकी है, इतना ही है इसमें, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्ट आपका जीरो कभी भी नहीं हो सकता। एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। आपका एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो या नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट कैसे आता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। इसका वैल्यू जीरो आ ही नहीं सकता, टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ना तो नेगेटिव हो सकता है एवरेज प्रोडक्ट, ना तो जीरो हो सकता है। समझ हमारी बात है, क्या बोल रहा हूं? यस धवल बोलता है सर मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ फिर वो मैसेज डिलीट कर देता है। ओके बेटा कोई बात नहीं, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। यस आगे बढ़े। अब बात यह है सर, इन चीजों को याद कैसे रखे? आपने पढ़ा तो दिया पर याद कैसे रखें? इसको याद रखना पड़ता है बेटा डायग्राम बना के, डायग्राम बना के याद रखना है। वाह, इन चीजों को डायग्राम बना के याद करना है। वाह 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 वाह, ठीक है। तो आइए पट से रफ पेज निकालेंगे क्योंकि हम अभी डायग्राम बनाने वाले हैं, कि हम अभी डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आइए अब हम डायग्राम बनाते हैं बेटा इसका। सारे बच्चे निकालेंगे, अपन कम से कम 2 से 3 बार डायग्राम बनाने वाले। कितनी बार? 2 से 3 बार डायग्राम बनाएंगे आपको अभी के अभी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा धवल, कोई बात नहीं राजा, चलता है स्पेलिंग मिस्टेक रे, चलता है। थैंक यू सो मच धवल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए यस यस ठीक है, चलिए आई। तो क्या सब लोग आगे रफ पेज निकाला सबने? प्लीज बताइए फास्ट, क्या सब लोगों ने रफ पेज निकाला है क्या? बोलो यार जल्दी 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 बोलो रफ पेज निकाला। यस चलिए, तो सबसे पहले बनाएंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच संजीत। सबसे पहले राजा बनाएंगे आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो पट से। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हम y एक्सिस में आउटपुट को प्लॉट करते हैं, x एक्सिस में हम क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट जो होता है लेबर को प्लॉट करते हैं, राइट। सबसे पहले आपको बनाना रहता है बेटा कर्व। समझना, सुनना बात ध्यान से। सबसे पहले आपको कर्व बनाना है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो मार्जिन प्रोडक्ट का पहले बढ़ता है और फिर गिरता है, ये क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम है एंड उसके बाद गिरता है। देन आपको बनाना है बेटा एवरेज प्रोडक्ट। क्या बनाना है आपको? देन आपको बनाना है एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट के नीचे से स्टार्ट होता है, वो नीचे से स्टार्ट होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जहां पे दोनों मर्ज हो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं
वहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है एंड इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है। अच्छा क्या बनाया सबने बताइए फास्ट, क्या सबने ये चीज बनाई फास्ट बताइए, यस और नो। पहले मार्जिन प्रोडक्ट बनाया, बढ़ता है फिर गिरता है, बढ़ता है मैक्सिमम उससे गिरता है, फिर एवरेज प्रोडक्ट बनाया, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट के नीचे से स्टार्ट होता है, राइट, बढ़ता है मैक्सिमम पहुंचता है फिर गिरता है, ठीक है। एंड फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम दो डंडी मारेंगे, क्या मारेंगे, दो डंडिया मारेंगे, क्या मारेंगे, दो डंडी कहां पे देखें, एक डंडी आएंगी बेटा जहां पे, एक डंडी आएंगी जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे एक डंडी बनेगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है। हाँ क्या बनाएंगे, दो डंडियां बनाएंगे, क्या मतलब बताइए कहाँ पे बनेगी, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट होता है, दूसरी डंडी बनेगी बेटा जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है वहां पे, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है वहां पे दूसरी डंडी, एंड पहली डंडी कहां पे थी, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है, सबने बना दी दो डंडियां। एंड अब हम फाइनली क्या बनाएंगे, अब हम फाइनली बनाएंगे बेटा हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व। तो टोटल प्रोडक्ट कर्व पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर गिरना चालू होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्स मतलब गिरना नहीं, धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है और फिर गिरना चालू हो जाता है। ओ, और हमारे टोटल प्रोडक्ट लाइन में, हमारे टोटल प्रोडक्ट लाइन में जहां करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा पोई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए आपका पूरा डायग्राम बन चुका है, आपका पूरा डायग्राम बन चुका है, ये है आपका स्टेज वन, ये है आपका स्टेज टू, ये है आपका स्टेज थ्री। चेक करो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री, आपका पूरा डायग्राम बन चुका है, क्या बात समझ में आ रही है, बताइए फास्ट जल्दी से। यस क्या बात समझ में आ रही है, प्लीज बताइए बेटा जल्दी से। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो यार। ठीक है वापस से बनाएंगे इस चीज को, वापस से बनाएंगे, चलिए रफ पेज, वापस से रफ पेज पे आइए, वापस से रफ पेज पे आएंगे, टेंशन नहीं लेना, वापस है रफ पेज पे बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलिए वापस से बनाएंगे, जितनी बार बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा बेटा, जब बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, चलिए वापस आएंगे। तो हमारा ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है सर, ठीक है सर। हम एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट एंड हमारे यहाँ पे क्या होता है आउटपुट होता है। सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हम बनाएंगे मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर गिरना चालू होता है, राइट। देन हम बनाएंगे बेटा एवरेज प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे राजा एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे से स्टार्ट होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट नीचे से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जहां पे टच हुआ ये मार्जिन प्रोडक्ट से यहां पे मैक्सिमम होता है एवरेज प्रोडक्ट एंड इसके बाद गिरना चालू होता है। देन हम दो डंडिया बनाएंगे, देन हम क्या करेंगे, दो डंडिया बनाएंगे, तो दो डंडी बनाओ पट से, कहाँ कहाँ बनाना है, एक डंडी रहेगी जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे एक डंडी रहेगी, दूसरी डंडी बनेगी जहां पे मार्जिन प्रोडक्ट जीरो है वहां से एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, ओके। एंड अब आपको बनाना है बेटा क्या, टोटल प्रोडक्ट कर्व, अब आपको बनाना है टोटल प्रोडक्ट कर्व, तो वो पहले टोटल प्रोडक्ट कर्व बढ़ेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर गिरना चालू हो जाता है, तो स्टेज टू तक बढ़ता है और फिर गिरता है टोटल प्रोडक्ट,
इसमें जो है हमारा, हमको भी क्या लिखना है, पोई, पोई कहां पे होता है, जहां पे मार्जिन लग मैक्सिमम है उसके करस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट आता है इसे बोलता हूं पोई। अप टू पोई टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, पोई के बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। याद आ रही बात है, याद आ रही बातें, बताओ फास्ट। यस, क्या बातें याद आ रही है बताइए फास्ट प्लीज। ठीक है सर, आगे हमारा बन गया मेरा डायग्राम। आप क्या देखें, स्टेज वन, ये है हमारा स्टेज वन, ये है स्टेज टू और ये है बेटा स्टेज थ्री। क्या बातें समझ में आ रही है बताइए फास्ट। सर आपकी वजह से फेविक्विक की तरह ये दिमाग में फिट हो गया है क्या, है ना। अब देखो आपको आपको ना इसके जब सवाल आते हैं ना, पट से डायग्राम बनाना है आपके एग्जाम में, डायग्राम बनाना है 2 मिनट में बनता है बेटा, मैक्स 2 मिनट, तो ज्यादा बोल रहा हूं, 1 मिनट के अंदर डायग्राम बनता है। ठीक है, अब सर यू आर ग्रेट, आपके लिए तो ओपी भी कम है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब सुनना मेरी बात बेटा जल्दी से। अब आपको समझो सवाल पूछा, समझो है सवाल, सवाल आपको आया, सुनो देखो आपको सवाल क्या आ रहा है। आपको सवाल पूछता है कि बताओ, आपको क्वेश्चन ने बोला बताओ एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट कौन से स्टेज में होता है। आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम को देखो, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट से कहाँ ज्यादा है, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री में। खत्म होगी, तो स्टेज टू में एंड स्टेज थ्री में दोनों में आपका एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट से ज्यादा है, चेक करो क्या ज्यादा है दोनों में। यस, अच्छा आपको बोला एवरेज प्रोडक्ट इज लेस देन मार्जिन प्रोडक्ट कहाँ होता है, चेक करके बताना है कहाँ होता है ऐसा, स्टेज वन में होता है, तो आंसर क्या रहेगा स्टेज वन। डायग्राम को देख के आंसर देना है। आपको बोला स्टेज टू, स्टेज टू कहां पे एंड होगा, डायग्राम को देखो, स्टेज टू कहां खत्म हुआ, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम था एंड जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो हो चुका है। तो देखो इट विल एंड वेयर टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम और वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। समझ में आ रहा है आंसर कैसे देना है, समझ में आ रहा है आंसर कैसे देना है बताइए फास्ट। आपको बोला स्टेज वन कहाँ एंड होगा, कहाँ एंड होगा स्टेज वन, तो क्या बोलूंगे, डायग्राम को देखने का, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे एंड हो रहा है स्टेज वन। ओ, तो एवरेज प्रोडक्ट जब मार्जिन प्रोडक्ट से इंटरसेक्ट करता है या जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहां पे ये स्टेज एंड होता है। समझ में आ गई बातें, क्वेश्चन आया तो डायग्राम बनाने का, डायग्राम को यूज करके आंसर देना, रट्टा नहीं मारना है, तो डायग्राम बनाना 2 बार आपको मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते बेटा कि ऐसा क्यों होता है। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यस नितिन, वो भी बात आएगी कि कौन सा स्टेज बेस्ट होता है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ठीक है उत्तम, थैंक यू सो मच उत्तम, थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए, सो अब आएंगे एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेज वन। बेटा स्टेज वन में क्या होता है समझिए, स्टेज वन में क्या होता है सुनना बात ध्यान से। ठीक है चलिए, तो मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेजेस, यस हमारे हेडलाइन हेडिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेजेस। हम बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहले स्टेज वन की, बात कर रहे हैं सबसे पहले बेटा स्टेज वन की। चलिए क्या कर रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेजेस। ठीक है, ओके सर, कि स्टेज वन में जो हरकतें हुई वो क्यों हुई हम वो देख रहे हैं अभी, समझ पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलता है कि देखो स्टेज वन में क्या होता है, हमारा हमारा स्टेज वन में बेटा क्या होता है कि
क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज अबंडेंट, मतलब क्या, मोर, इट इज मोर एज कंपेयर्ड टू वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मतलब कि बेटा स्टेज वन में क्या है, वो हमारा इनिशियल स्टेज है प्रोडक्शन करने का। स्टेज वन क्या है, वो हमारा इनिशियल वे है, इनिशियल इनिशियल प्रोडक्शन का समय है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने आपके कंपनी में एक मशीनरी लगाई, ये क्या है, ये एक मशीनरी है, ये क्या है बेटा, ये एक मशीनरी है। इस मशीनरी में चार चार जगह पे हमें लोगों की जरूरत है जो काम कर सकते हैं। मतलब अगर इस मशीनरी पे चार लोग अगर काम करे तो ये मशीनरी एकदम मस्त तरीके से एफिशिएंटली इस मशीनरी को मैं यूज कर सकता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, बट इनिशियली क्या होता है बेटा, इनिशियली क्या होता है, हमारे पास अगर सिर्फ सिंगल व्यक्ति है तो इस सिंगल व्यक्ति को ये हर जगह पे खुद काम करना पड़ता है, तो वो इतने अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता अकेला व्यक्ति। हमारा फिक्स्ड फैक्टर में ज्यादा है वेरिएबल फैक्टर से। मशीनरी एक ही है लेकिन उस मशीनरी पे चार लोग काम करने चाहिए थे तो ज्यादा अच्छे से काम होता है। तो इनिशियली होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज अबंडेंट एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर को यूज करने के लिए और हमको लेबर की जरूरत पड़ सकती थी, पर हमारे पास इनिशियली एक ही लेबर था स्टार्टिंग में। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूं? यस, तो एक लेबर ने क्या किया, समझना बात को, ठीक है, एक लेबर ने क्या किया बेटा, एक हमारे पास एक मशीनरी एक लेबर था, पर इस मशीनरी को चार लेबर मिलते तो और अच्छे से हो सकता था प्रोडक्शन, लेकिन अभी एक ही लेबर है। तो एक लेबर बेचारा अकेला 100 यूनिट बना सक रहा था। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही हम और एक लेबर को लेके आ जाते हैं, अब क्या होगा, पहले इस समझ लो, इस इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स, या इसका नाम दे देता हूं मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है, पहले मिस्टर ए को ये पूरी मशीनरी संभालनी पड़ती थी। अब अगर और एक बंदा आ गया, अब अगर और एक लेबर आ गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग अपने काम को बांट सकते हैं? अब क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग अपने काम को अब बांट सकते हैं सबके बीच? आपको आपको पता है, एक से भले दो, एक से भले दो, अब इसी मशीनरी पे ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली काम होगा। इस दूसरे व्यक्ति के आने के वजह से अब इस मशीनरी को और ज्यादा अच्छे से हम यूज कर पाएंगे, हमारा लेबर स्पेशलाइजेशन कर पाएंगे, अपने काम में स्पेशलाइजेशन कर पाएंगे ये लोग। एंड क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा। पहले मिस्टर ए ये चारों जगह पे अकेला काम करता था, अब मिस्टर ए बोलेगा कि सुन मिस्टर बी, तू नंबर टू एंड नंबर थ्री पोजीशन पे काम कर, मैं नंबर वन एंड नंबर फोर पोजीशन पे काम करता हूं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो वर्क को डिवाइड कर पाएंगे, जिससे अगर हमने काम को डिवाइड कर दिया तो ज्यादा स्पीड से काम हो सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। इसीलिए इनिशियली एक और लेबर आने से प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ता है, इनिशियली 110 से बढ़ा एंड टोटल प्रोडक्ट 210 हो जाता है। एक एडिशनल लेबर के आने की वजह से 110 से हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा। देन हमने और एक लेबर को बुला लिया, ओ हो, मिस्टर सी, अब हम और अच्छे से इस मशीनरी को यूज कर पाएंगे। क्या फील आ रही बातें क्या बोल रहा हूं? अब हम इस मशीनरी को और ज्यादा एफिशिएंटली और अच्छे से यूज कर पाएंगे इसी मशीनरी को। एंड अगर और एक बंदे को ला लिया, अरे भाई साहब सुभान अल्लाह मजा आ गया, और एक आ गया, तो भैया अब तो हम हमारे मशीनरी को क्या जबरदस्त यूज कर सकते हैं। हर एक जगह पे एक स्पेसिफिक बंदे को रखा है, हर बंदे को अपना स्पेसिफिक वर्क पता है,
हम काम बांट देंगे सबके बीच में एंड सब लोग अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन करके दन दनादन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेज वन में, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेज वन में देखो क्या लिखा है, फास्ट प्लीज फोकस करेंगे। यस तो बोलता है, देखिए इनिशियली क्या होता है, इन द बिगिनिंग द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज अबंडेंट रिलेटिव टू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को हम ऐड करते जाते हैं, एज वेरिएबल फैक्टर आर एडेड, हम उस फिक्स्ड फैक्टर को, हम उस मशीनरी को और ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है फिक्स्ड फैक्टर की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एंड इसके वजह से इनिशियली आपका प्रोडक्शन रैपिड रेट से बढ़ता है। इसके वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो रैपिड रेट से बढ़ता है। रैपिड रेट से बढ़ रहा है मतलब क्या, ज्यादा फास्टर रेट से बढ़ रहा है। सर ये रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। इनिशियली जैसे जैसे लेबर आ रहा है, हम उस मशीनरी को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, इसीलिए इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेज वन में इंक्रीज होता है। द रेट ऑफ चेंज इज रैपिड, इसीलिए स्टेज वन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है एक पॉइंट तक। समझ में आ रहा है ये चीज बोल रहा है? क्या बात समझ में आ रही है बताइए फास्ट। ठीक है तो ये चीज होगी, तो देखिए क्या लिखा है यहां पे कि इफ मशीनरी कैन बी, हाँ देखिए ये ही प्रॉब्लम है, मैंने क्या लिखवाया, अबंडेंट का मतलब क्या है पहले ही बताया आपको। अभी सवाल पूछते सर अबंडेंट का मतलब क्या है, अभी बताया कि नहीं मुझे बताइए, लिखवाते समय लिखा आप, मुझे पता नहीं पूछेंगे सवाल। चलिए वापस आते हैं इधर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ मशीन कैन बी एफिशिएंटली ऑपरेटेड व्हेन 4 पर्सन आर वर्किंग ऑन इट। अगर एक मशीनरी को 4 लोग यूज करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं है कि हर मशीनरी को 4 लोग ही लगेंगे, वो मशीनरी टू मशीनरी डिपेंड करेगा, बट अगर किसी मशीनरी को फॉर एग्जाम्पल 4 लोग लगते हैं कि 4 लोग अगर काम किए तो एकदम एफिशिएंटली काम करेगा, तो बिगिनिंग में अगर सिर्फ 3 ही लोग काम कर रहे हैं तो चौथे व्यक्ति के आने की वजह से एकदम से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है इनिशियली, इसीलिए स्टेज वन में मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? यस देखिए दूसरे बच्चे ने पूछा था अबंडेंट क्या है, सो रहे हैं बच्चे क्लास। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे दिस हैपेंस बिकॉज इन द बिगिनिंग हमारा कुछ पार्ट फिक्स्ड फैक्टर का अनयूटिलाइज रह रहा है। समझो जब हमारा मिस्टर बी नहीं था, जब हमारा मिस्टर सी नहीं था, जब हमारा मिस्टर डी नहीं था, तब अकेले व्यक्ति को सब काम करना पड़ रहा था, पर जैसे जैसे ये लोग आ गए तो अब हम सेम मशीनरी को ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। पहले हमारे मशीनरी को हम एकदम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनके आने से और एफिशिएंटली और अच्छे से यूज कर पा रहे थे, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, जिससे रिटर्न्स इंक्रीज होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है स्टेज वन में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अगला, नेक्स्ट बात करेंगे अगला। अब इसका दूसरा रीजन आता है, सर एक काम करो ना, सर एक काम करो, देखिए हमारा हमारा स्टेज वन में बेटा क्या प्रॉब्लम है सुनिए, हमारा स्टेज वन में क्या प्रॉब्लम है सर समझिए। सर देखो हमारे पास एक मशीनरी है जिसको 4 लोग लगते हैं, तो आपने ऐसी मशीनरी खरीदा ही क्यों? अगर आपके पास एक ही लेबर है तो ऐसा मशीनरी खरीदो ना जिसमें एक ही लेबर लगे। समझ में आ रहा है मैं सवाल क्या बोल रहा हूं? फिर से, अगर आपके पास इनिशियली एक ही लेबर है तो ऐसा मशीनरी खरीदो जिसमें एक ही व्यक्ति की जरूरत हो, तुमने ऐसा मशीन क्यों खरीदा जिसमें 4 लोगों की जरूरत पड़े?
आपको सवाल समझ में आया क्या बोल रहा हूं, है ना? पर बेटा ऐसा चलता गया क्या, तुम्हारे हिसाब से बनता गया ऐसा है? मार्केट में स्टैंडर्ड साइज की मशीनरीज आती है, तुम्हारे हिसाब से कोई बोलेगा 15 लेबर की मशीनरी दो, कोई बोलेगा 16 लेबर की दो, 17 लेबर की, ऐसा बनता गया? हर एक 17 लेबर का अलग मशीन, 18 लेबर का अलग मशीन, ऐसे बनते जाएंगे अपने हिसाब से? मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज आती है, उस साइज लेना ही पड़ता है, मिनिमम उतने साइज का लेना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से नहीं बनता 3 लेबर का अलग मशीन, 15 लेबर का अलग मशीन, 20 लेबर का अलग मशीन, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो वही सवाल वहां पे लिखा है, ठीक है? दोज फैक्टर्स विच आर इनडिविजिबल आर टेकन एज फिक्स्ड फैक्टर। हम हमारे मशीनरी को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि एक लेबर की अलग मशीन, दूसरे की अलग, ऐसा नहीं होता है। वो इनडिविजिबल इन नेचर होता है। हम हमारे हिसाब से नहीं देख सकते कि 10 लेबर का अलग मशीन दो, 12 लेबर का अलग मशीन दो, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर खरीदना ही पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से जितने लेबर हैं उसके हिसाब से मशीन लोगे, ऐसा नहीं होता हमेशा। समझ में आ रही बात है? ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड रीजन क्या है? स्टेज वन का सेकेंड रीजन आपको दिया है, स्टेज वन का आपको सेकेंड रीजन दिया है, सुनेंगे बात ध्यान से। द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस, बोलता है क्या है, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क होता है लेबर में, एंड स्पेशल अपने अपने काम में लोग स्पेशलाइजेशन करना चालू करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं इनिशियली, ठीक है? तो हमने ये बातें कर ली है ऑलरेडी। स्टेज वन में क्या होता है कि चूंकि हमारा क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज अबंडेंट एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे हम लेबर को ऐड करते हैं प्रोडक्शन में, हम हमारे मशीनरी को और ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। इसे बोलते हैं बेटा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी। क्या बोल रहा हूं? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। स्टेज वन में इनिशियली जब एक ही बंदा काम कर रहा था तो हमें और लोगों की जरूरत थी, ताकि और अच्छे से यूटिलाइज कर सके मशीन को। तो स्टेज वन में जैसे जैसे लेबर आता है वो और फुलर यूटिलाइजेशन करता है फिक्स्ड फैक्टर से, जिससे और ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जिससे हम लेबर अपने बीच काम बांट सकते, ताकि ज्यादा काम कर सके कम समय में, एंड आपके लेबर स्पेशलाइजेशन करते हैं अपने अपने काम में। सेम काम को जब मिस्टर सी बार बार करेगा तो वो इस काम में और बेहतर होते जाएगा, सेम काम को जब मिस्टर बी बार बार करेगा तो इस काम में और ज्यादा बेहतर होना चालू कर देगा। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल तरुण, मशीन का पूरा फायदा उठाने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है इनिशियली। नेक्स्ट बात आती है सर, स्टेज टू का क्या रीजन है, स्टेज टू का क्या एक्सप्लेनेशन है, आइए देखते हैं, ठीक है? यस, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? इसे नोट कर ले, इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट निकाल ले, फिर हम स्टेज टू पे आते हैं। यस, यस कृष्णकांत, यस हमने ऑलरेडी वो बातें कर ली बेटा, यस कृष्णकांत, चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे बेटा, निकला। चलिए स्टेज टू की बात करेंगे अभी। अब स्टेज टू में क्या होता है समझिए, हमने ऑलरेडी 4 लेबर को ला लिया है, इस मशीनरी को 4 लेबर की ही जरूरत थी, इस मशीनरी को 4 लोगों की ही जरूरत थी, पर अब हम और लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, अब हम और लेबर बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए हमारा स्टेज वन तो यहां पे खत्म हो गया था, यहां पे स्टेज वन खत्म हो गया, हमें 4 लेबर की ही जरूरत थी, लेकिन ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम और लेबर को लेके आते हैं। अब क्या हो रहा है, इस नंबर ऑफ मशीनरी तो सेम रहेगी, मशीनरी एक थी तो एक ही रहेगी, यस मशीनरी एक थी तो एक ही रहेगी,
नंबर ऑफ मशीनरी तो वही है, पर अब ज्यादा लेबर काम कर रहे हैं उस मशीनरी में, मतलब कि स्टेज वन में क्या था, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा था एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर। स्टेज टू में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज मोर देन फिक्स्ड फैक्टर। अब समझ में आ रहा है, अब पासा पलट चुका है, अब पासा पलट चुका है, क्या फील आई बातें? ठीक है, सो आइए देखेंगे इधर क्या लिखा है। हम बात करें स्टेज टू का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, स्टेज टू का एक्सप्लेनेशन। चलिए, तो स्टेज टू में देखो क्या हो रहा है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि देखिए स्टेज टू में बेटा क्या होता है, देखिए कि अब हमें स्टेज टू में मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिरता क्यों है। सवाल ये है कि स्टेज टू में स्टार्टिंग से, स्टेज टू में स्टार्टिंग से हमारा मार्जिन प्रोडक्ट क्यों गिरता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखता है कि देखिए स्टेज वन में वंस द पॉइंट इज रीच्ड एट विच अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज सफिशियंट टू एंश्योर एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हमको एक मशीनरी के लिए चार लेबर की जरूरत थी। एक बार हम इन चार लेबर को अपॉइंट कर लिए, मतलब कि जितना एफिशिएंटली यूज करना था हमने कर लिया। अब अगर हम और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, एनी फर्दर इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, अगर और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया तो अब उस एडिशनल लेबर के वजह से, अब उस एडिशनल लेबर के वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा ही गिरेगा, एवरेज प्रोडक्ट गिरेगा ही गिरेगा। एनी फर्दर इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर विल कॉज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट टू डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि अब स्टेज टू में फिक्स्ड फैक्टर कम पड़ रहा है, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा है, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर इज इनएडिक्वेट, कम पड़ रहा है फिक्स फैक्टर एज कंपेयर्ड टू वेरिएबल फैक्टर। समझ में आ गई बातें, बताइए फास्ट जल्दी से। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूइंग द प्रीवियस एग्जांपल, समझिए कि हमारा एक मशीनरी में चार लेबर की जरूरत थी, हमें हमें एक मशीनरी में चार लेबर की हमें जरूरत थी, एक मशीनरी में, ठीक है। यस, तो एक मशीनरी में अगर चार लेबर की हमें जरूरत है, अगर हम पांचवें लेबर को लेके आते हैं, नाउ इफ द फिफ्थ पर्सन इज पुट ऑन द मशीन, उसका कंट्रीब्यूशन निल होगा। इन अदर वर्ड्स, अब मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा। देखो पांचवा व्यक्ति भी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन पहले के जो चार व्यक्ति जिस रेट से प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, उस रेट से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगा फिफ्थ व्यक्ति। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जिस रेट से पहले के चार लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, उस रेट से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा पांचवें व्यक्ति की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे बेटा। आगे नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, द फिनोमिनन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज लाइक दैट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रेस्ट अपॉन द इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सुनिए पूरा सुनिए फिर बताऊंगा। जस्ट एज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस इन द फर्स्ट स्टेज व्हेन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज मेड, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिमिनिशेस इन सेकंड स्टेज व्हेन फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर इज वर्क टू हार्ड। क्या बोल रहा है सुनिए, यहां पे बोल रहा है बेटा, किस पैराग्राफ में बोल रहा है सुनिए बात ध्यान से, वो इस पैराग्राफ में बोल रहा है, सुनिए ध्यान से बात को, कि देखिए स्टेज वन में क्या हो रहा था कि हमारा फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा था एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर, हमारा फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा था बेटा एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर वाज मोर एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर। समझ में आ रहा है? यस, इसीलिए क्या हो रहा था कि जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा था, हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था, एक लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा था, एक्स्ट्रा का ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा था, मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ रहा था। लेकिन स्टेज टू में क्या होता है, सेम वे स्टेज टू में क्या होता है सुनना बात ध्यान से, आपका फिक्स्ड फैक्टर जो है,
वो अब कम पड़ता है वेरिएबल फैक्टर से। अब वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा के आ चुके हैं, इसीलिए अब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, एवरेज में प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है। एंड पांचवा व्यक्ति या पांचवे लेबर के बाद जितने लेबर आप ऐड करते हैं वो मशीनरी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं मशीनरी को। सो इन द सेकेंड स्टेज फिक्स्ड फैक्टर इज बीइंग वर्कड टू हार्ड, ज्यादा लोग आके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मार्जिन रख नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रही बात है, ऐसा बोलना चाह रहा है। एंड फाइनली देखेंगे अनदर रीजन क्या है, अनदर रीजन क्या देखेंगे, इट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ वन फैक्टर फॉर अनदर। बोलता है कि देखो देखो, जो काम मेरा लेबर कर सकता है क्या वही काम मेरा कैपिटल या मशीनरी कर सकता है क्या? क्या ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? नहीं। समझिए बात को, एक मशीनरी के लिए हमें चार लेबर लग रहे थे। अगर मैं एक लेबर यहां पे बढ़ाता हूं, जब मैं पांचवा लेबर को लेके आता हूं, तो क्या ये एक मशीनरी जितना काम कर सकता है क्या? क्या ये पूरे एक मशीन जितना काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि लेबर एंड मशीनरी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। एक मशीनरी जितना काम एक सिंगल लेबर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर क्योंकि अगर सुनना मत ध्यान से, क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि क्योंकि अगर ऐसा होता, यस, क्योंकि बेटा अगर ऐसा होता कि पांचवा लेबर एक मशीनरी जितना काम अगर कर सकता तो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट तो कभी गिरता ही नहीं, वो तो बढ़ते ही जाता। बट ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसीलिए जब हम इस मशीनरी में ज्यादा लेबर को अपॉइंट करते हैं तो मार्जिनल प्रॉफिट स्टेज टू में गिरना चालू हो जाता है। समझ में आ गई बातें, बताइए फास्ट। तो यहां पे देखना है, वो था हमारा लास्ट पॉइंट, कौन सा, कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के वजह से क्या होता है, आपका जो है क्या है बताइए, आपका मार्जिन प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है स्टेज टू में। तो स्टेज टू के एक्सप्लेनेशन का समरी क्या लिखेंगे, कि स्टेज टू में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर अब इनएडिक्वेट हो जाता है वेरिएबल फैक्टर से, या अब वेरिएबल फैक्टर ज्यादा है फिक्स्ड फैक्टर से। तो अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट रीच हो जाता है, जब हमने चार लेबर को अपॉइंट कर दिया, अब जब पांचवा लेबर आता है वो कुछ भी एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, वो कुछ भी एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, करता है पर पिछले वाले लोगों के जितना नहीं करता, ऐसा, ठीक है। इसलिए एमपी एंड एपी डिक्लाइन होता है, साथ ही साथ देयर इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब हम स्टेज थ्री एंड बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इस समरी को लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसलिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप क्या कर सकते हैं, हमारे मिशन सक्सेस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 21 अक्टूबर से आरटीपी एमटीपी बैच आ रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, या सबसे बेस्ट अभी आपके लिए हो सकता है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स का लीजिए, एमबी सर कोड लगाएंगे तो एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। जरूर मुझे बताइए आपको कैसा लगता है, ठीक है, हमारा क्लास। थैंक यू सो मच, मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे सारे फ्री सेशंस आप इस लाइव डेली लिंक से पे जाके देख सकते हैं, एक बार जाइए एमपी सर वाले टैब पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, सारे लेक्चर के लिंक्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।